देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक हमारा एक्सेल की शॉर्टकट के ऊपर बेस है कि एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में जानना है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की कमांड उसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आपकी शॉर्टकट की अच्छी होगी तो सामने वाला देख के आपको सोचेगा कि आप एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि शॉर्टकट की नॉलेज उन लोगों को ही होती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको उसकी शॉर्टकट की नहीं पता होंगी, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ही हम उन चीजों को पता कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, मुझे यहाँ पर कोई नाम ही लिखने हैं और मुझे कंटिन्यू नाम लिखने हैं। अगर मुझे एक्सेल की शॉर्टकट की पता होगी तो मैं उस नाम को मैं फटाफट लिख लूंगा जितने मुझे नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ लिख के ड्रैग कर दिया और मुझे यहाँ पर आगे आगे। लेकिन अगर आप लोगों से मैं बोलता ये नाम लिखो तो आप लोगों को बहुत टाइम लगता, आप इसको दा लिखते। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे P1 से लेके P20 तक लिखना है। मैं यहाँ आया, मैंने क्लिक करा और एक शॉर्टकट की यूज करी और मैं इसको P20 तक लिख दिया। देन मुझे यहाँ पर वैल्यू को फिलअप करना था, मैंने शॉर्टकट की और फार्मूले का यूज करा और मैंने वैल्यू को फटाफट से टाइप करवा दिया। हो गया, देखिए कंट्रोल डी कर दिया। अब यही काम मैंने सारा शॉर्टकट के से किया। अगर आपको भी शॉर्टकट की यूज करके काम करना है, पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन धीरे धीरे जब आप शॉर्टकट की पे काम करने लगेंगे तो आपको शॉर्टकट की से करने में मजा आएगा। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे, और क्योंकि मेरा मानना है जब आप शॉर्टकट की से कर दो तो आपको काम ना 30% फास्ट हो जाता है और फिर आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं जो मैनुअली आप करते हैं। अब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, इंटरव्यू जो आपका लेगा वो सबसे पहले आपकी यही देखेगा कि आपने कीबोर्ड किस तरीके से पकड़ा है, आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कैसी शॉर्टकट की कर रहे हैं, किस तरीके से काम को ओपन कर रहे हैं, वो सारी चीजें नोटिस करेगा। लेकिन अगर आप वो आपसे कुछ कहता है और आप काम उसको शॉर्टकट की से करके देते हो तो वो समझ जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, देन फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को पुटअप करेगा। नेक्स्ट कि सर हमें शॉर्टकट की मिलेंगी कहाँ से, मैं इन शॉर्टकट की को कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सर मैं गूगल पे जाके निकालता हूँ तो बहुत सारी शॉर्टकट की आती है, कोई शॉर्टकट की तो परफॉर्म करती है या कोई शॉर्टकट की परफॉर्म नहीं करती। तो सेकंड टॉपिक वही है कि आप उसकी हेल्प में जाएंगे। जैसे ही हेल्प में आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा लोडिंग हेल्प फॉर माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद जो भी लिखना है वो डाल दीजिए, शॉर्टकट की, एंड देन इंटर कर दीजिए। जैसे ही करेंगे एक्सेल की जो भी शॉर्टकट की होंगी वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। शॉर्टकट की इन ऑफिस, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल की जो भी शॉर्टकट की थी वो सारी आपको यहाँ पर आ गई। आपको एक्सेल की चाहिए, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की सारी शॉर्टकट आ गई। उसके उसने पूछा 2016 वर्जन की चाहिए, 2010 की चाहिए, 2013 की, जिस पे जाइए उस पे क्लिक कीजिए और नीचे आ जाइए। जब आप इस पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, पहली शॉर्टकट ही लिखी हुई है। पहली शॉर्टकट की सबसे ऊपर लिखी है इसमें कंट्रोल पेज अप स्विच बिटवीन वर्कशीट टैब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पता है होता क्या है, जैसे आप इस शीट पे खड़े हो, आपने कहा सर मुझे लिमिटेशन वाली शीट पे जानी, बट माउस यूज नहीं करूंगा मैं, आप मुझे इसको शॉर्टकट की से कीजिए, मैं इसके लिए कंट्रोल पेज अप दबा दूंगा। देखिए मैं शीट से मूव हो रहा हूँ, अब मैं माउस का यूज नहीं करूंगा। शालू दिख रहा है आपको? हाँ जी ये शीट की मूवमेंट हो रही है। अगर यही काम आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे और आप माउस से लेके जाओगे तो क्या समझेगा वो, कहेगा अभी ये लर्निंग मोड पे है या इनको आइडिया नहीं है। बट मैं इसी का यूज कंट्रोल के साथ यूज करूंगा, कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन के साथ, तो शीट की मूवमेंट हो जाती है। पहली शॉर्टकट की ये थी। सेकंड शॉर्टकट की जो हमारे पास आती है वो कंट्रोल शिफ्ट आती है। अब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यह है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन। पहली शॉर्टकट की होती कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन। जैसे आपने कोई डेट लिखी है, आपने यहां डेट लिख दी, आज डेट है दिस 2018। एक्चुअली में ये डेट है ना, ललित जी, राजकुमार जी,
और जी शाम। सर जी सर ये जो डेट है ना, रियल में डेट नहीं है, ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। क्या शालू? एक नंबर है। नंबर है। नंबर कैसे नंबर है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या प्रेस करेंगे, वन प्रेस करेंगे, कंट्रोल वन शिफ्ट प्लस वन, तो आपको यहां से मिलेगा। देखिए, कंट्रोल प्रेस हुआ, शिफ्ट प्रेस हुआ एंड देन वन। देखो ऊपर एक लिख के आ गया 43,142। क्या आप में से इसका कोई मतलब जानता क्या है? ये बता रहा है कि सिस्टम कंप्यूटर को बने हुए आज आपके 43,042 142 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए कंप्यूटर को बने हुए? 43,142 दिन हो चुके हैं आज कंप्यूटर। सर प्रूफ कीजिए। मैंने यहाँ वन लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? वन। और मैंने एक और शॉर्टकट की यूज करी, कॉपी। मैंने बोला इसको कि आप इस वन को डेट में कन्वर्ट कर दो। ये नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं और इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए। डेट में मैं इस पे आया, वही शॉर्टकट की यूज करी, कंट्रोल शिफ्ट और थ्री दबा दिया। देखो यहाँ डेट में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? डेट। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट थ्री दबाया तो इसने मुझे बताया कि सर उस दिन जो डेट थी वो 1/1/19 थी। मैं यहाँ दो लिखा, इंटर मारा तो उसने मुझे क्या बताया? उस दिन कौन सी डेट थी आपकी? 2 जनवरी 19। मैंने यहाँ पर 31 करा तो उसने मुझे क्या बताया? ये। मैंने 32 करा तो उसने मुझे क्या बताया? फैब। मैंने यहाँ 500 करा तो उसने मुझे बताया कि आपकी 14 मई 1901 थी। मैंने इसको 5,000 करा तो उसने मुझे बताया कि 8 सितंबर 1913 थी। मैंने इसको 10,000 करा तो उसने मुझे डेट बताया कितनी? 18 मई 1927। मैंने यहाँ पर इसको 40,000 करा तो उसने डेट बताई कि 6 जुलाई 1909। मैंने इसको 42,000 बोला तो उसने मुझे बताया 27 दिसंबर 14। मैंने 42,850 बोला, जैसे ही अंडा मारा तो उसने मुझे क्या बताया? 25 अप्रैल 2017। मैंने यहाँ 43,142 लिखा तो क्या डेट मिलेगी मुझे? आज की डेट। ठीक है। यस अब इसका बेनिफिट सर, क्या था? जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा था या जो इस प्रोग्रामर था, इसने इसको बनाया एक्सेल को, उसने अपने मन में इन सारी चीजों को क्यों रखा? क्योंकि डेट ना बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस के लिए किया जाता है कि मैं सर मंथ में 6 टाइम आया हूँ, मैं मंथ में 24 आया हूँ, तो कैलकुलेशन उसके बिहाफ से होती है ना। किसी ने बोला कि सर ये डेट है और मुझे इस डेट को माइनस करके डेट निकालनी है कि एक्चुअली मैं कि इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस क्या है। जब मैंने इस डेट को माइनस करा इस डेट से तो मुझे मिला कि इसकी जो बीच की डेट है वो हमारी ये है। क्योंकि क्यों मिला? क्योंकि अगर मैं इस पर कंट्रोल शिफ्ट वन दबाऊं तो वो बताएगा कि इसकी डेट 42,142 है, और इस पर दबाऊंगा तो मुझे बताएगा 43,159। अब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका? 17। तो याद रखना कि रियल में जो डेट होती है वो एक नंबर होता है। क्या होता है वो? एक नंबर नंबर होता है। ठीक है। और ये जो हमारी डेट होती है, अब इस डेट को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट वन। कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट वन वन लिखी हुई है शॉर्टकट की नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट वन कर दिया और किसी नंबर से डेट में कन्वर्ट करना है किसी शॉर्टकट को, तो क्या करोगे आप? कंट्रोल शिफ्ट थ्री। थ्री ठीक है। एक और शॉर्टकट की होती है, यस
एक और शॉर्टकट की होती है आपके पास, वो आपने ये शॉर्टकट की ये होती है। आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड पे वन से पहले एक बटन होता है, अगर मैं इसको ऑन करूं, ये जो बटन की बात हो रही है, ये एक्चुअली डेसिमल को रिमूव कर देता है। आपने कहा सर मुझे इस वर्ड के आगे ना डॉट नहीं चाहिए, मुझे डॉट हटा देनी है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड देन इस सिंबल को क्लिक करूंगा और डेट को रिमूव और डेसिमल को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव कर देगा? वो डेसिमल को रिमूव कर देगा। अगर आपको डेसिमल रिमूव करने, तो इस तरीके से आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? डेट में कन्वर्ट कर तो दीजिएगा दोबारा सर कोई कंट्रोल। नंबर लिखा हो उसमें डेसिमल लाने तो क्या होगा? डेसिमल लाने हैं तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इस बटन पे आना है, यहां से डेसिमल आ जाएंगे आपके, ठीक है? ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट शॉर्टकट तो की आती हाँ जी है सर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 क्या करता है देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 का जो काम होता है ना रियल में, वो कंट्रोल शिफ्ट 2 क्या करता है, किसी भी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए, इस पिक्सेल पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए थोड़ा सा, ये किसी भी नंबर को ना टाइम में कन्वर्ट कर दे। आपने लिखा 0.06 आपने लिखा, और इस पे आप कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाएंगे तो वो किसी टाइम में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? किसी भी टाइम में कन्वर्ट कर देता है। पता है एक्सेल के अंदर जो 1 होता है ये इक्वल होता है 24 आवर्स के। कितने के इक्वल होता है? जो 1 होता है ना एक्सेल में, वो बराबर होता ट्वेंटी है 24 आवर्स के। अगर मैं यहाँ पर 0.05 कर दूं और इस पे वही शॉर्टकट यूज करूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2, तो ये बताएगा 12 PM, ठीक है? अगर मैं इसी डेट पे F2 करूं, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं, अगेन इसको 0.90 कर दूं और इस पे वही अगेन कंट्रोल शिफ्ट 2 दबा दूं, तो मुझे बताएगा 9:36। तो इस तरीके से ये टाइम को कन्वर्ट कर लेता है। याद रखना हमेशा में 1 इक्वल टू 24 आवर, एंड जो डेसिमल होते हैं ये नंबर होते हैं। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 4 क्या करता है? कंट्रोल शिफ्ट 4 का भी काम वो डॉलर साइन लाता है। किस साइन को लाता है? डॉलर के साइन को लाता है। अगर आपको डॉलर साइन चाहिए किसी वर्ड के साथ, जैसे आपने यहां कुछ लिखा, आप चाहते हैं कि डॉलर साइन आ जाए इसके साथ, तो आप कंट्रोल शिफ्ट 4 दबा दीजिएगा। एंड कंट्रोल 5 तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल है, वो परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है। किसी वर्ड के साथ परसेंटेज लिखनी, तो कंट्रोल शिफ्ट 5 दबा दीजिए, परसेंटेज आ जाती है। परसेंटेज हटानी है तो कंट्रोल शिफ्ट 1, ऐसे नहीं हटेगी फिर वो परसेंटेज, ऐसे नहीं हटा पाओगे आप। देन कंट्रोल शिफ्ट, ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट की आप इसी के अंदर आके सारी शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ स्पेशल शॉर्टकट की बताई जिसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। अब कुछ यूनिक शॉर्टकट की जो आपको हमेशा इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे ये पी है, मुझे इस पी को यहाँ पर रिपीट करना है इन सभी के अंदर, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। अगर आप कंट्रोल आर दबा देंगे तो ये राइट में पूरा ड्रैग हो जाएगा, और अगर इसको आपको नीचे रिपीट करना है तो आप इसे कंट्रोल डी दबा दीजिए, तो ये डाउन हो जाता है। याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड को आगे तक ले जाना है तो कंट्रोल आर, और उसको नीचे ड्रैग करना है तो कंट्रोल डी। कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। कुछ पूछना है इसमें शालू, ललित? ओके सर, क्लियर है। अगर सर इसको एक बार में पूरा फिल करना हो, तब एक बार में
इसको पूरा फिल करना हो तो कंट्रोल इंटर दबा दीजिए। तो क्या दबा कंट्रोल आर दोगे? डी, कंट्रोल एंटर। देखो क्या हो गया, एक बार में फिलअप हो गया। होता क्या है मैं बताता हूं, जब आप किसी वर्ड पे कोई वर्ड टाइप करते हो, इंटर मारते हो ना, तो देखो इसके आगे कर्सर मूवमेंट हो रहा है। मतलब मैंने यहां पर देखो एस लिखा, यहां पर लिखा, मैं चाहता हूं ये जो पी लिखू ना, ये सब में ड्रैग हो जाए, तो मैं यही कंट्रोल इंटर मार दूंगा। तो क्या करता है, जो सेल एक्टिव होता है वो सभी को भी एक्टिवेट कर लेता है अपने साथ। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल इंटर क्या करते हैं, सभी जगह यूज करने के लिए, जैसे आप कंट्रोल आर कंट्रोल डी करना चाहते हो। सर मैं इस डाटा को, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पी यहां इस डाटा को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करना, जैसे मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ इस तरीके से करना चाहता हूँ, बट सर शॉर्टकट के साथ इस स्पीड में। तो अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जब किसी चीज को सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करना हो, किसके साथ यूज करना हो, किसी सिलेक्शन के साथ, तो शिफ्ट बटन का जरूर यूज करेंगे। ठीक है, ओके, ओके सर, कंट्रोल शिफ्ट ओके। राइट ठीक है, एरो, दोबारा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डाउन तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक्सेल की बेसिकली सारी शॉर्टकट की थी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, शॉर्टकट तो बहुत है, बट सर मैं तो नहीं मानता कि ये मैं सारी शॉर्टकट की पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर सर मुझे एक्सेल में कलर करना है तो भी शॉर्टकट की नहीं है उसकी। अगर आपको एक्सेल की जो शॉर्टकट की नहीं है, आप उसकी शॉर्टकट की खुद भी बना सकते हैं। कैसे? आप सिंपल ओल्ड बटन प्रेस कीजिए। जब अपने कीबोर्ड पे आप ओल्ड बटन प्रेस करेंगे तो आपको ना ऊपर एक हेडिंग दिखेगी, आपने ओल्ड बटन प्रेस करा, देखिए यहां पर ऊपर हेडिंग आ गई, होम की एच है, इंसर्ट की एन है, पेज लेआउट की पी है, फार्मूला की एम है, डेट की ए के, रिव्यू की आर है, और व्यू की डब्ल्यू है, डेवलपर की एल है, और टीम की वाई है। मुझे होम पे जाना है, मैंने एच दबाया, अगेन ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, फिर एच, एंड देन कलर करना है, कलर की शॉर्टकट की एच, एच दबाया, एंड जो भी कलर चाहिए वो आ गया, एंटर मार, हो गया कलर एप्लीकेबल। नीचे आए, एरिया सिलेक्ट करा, नीचे आए, अब तो अगर मुझे फास्टली करना हो, सिंपल मैं ऑल्ट दबाऊंगा, फिर एच दबाऊंगा और कलर को सिलेक्ट करूंगा, जो भी मुझे कलर चाहिए। ठीक है, जब आप एक बार करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसको एक से ज्यादा बार रिपीट करेंगे तो उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर बॉर्डर फटाफट अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं इसकी शॉर्टकट की यूज कर रहता हूँ। लेकिन अगर आपको ही करना होगा तो पहले आपको ओल्ड दबाना पड़ेगा, फिर एच दबाना है, ओल्ड वाली खाली एक बार दबा के रखना है, जब एच आ जाए फिर एच दबा दो, एच आ गया बॉर्डर पे जाना है तो बी दबा दो, और ओल्ड बॉर्डर करना है तो एल ए दबा दो। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। अब जैसे ये वर्ड लिखा है, ये लेफ्ट में, मुझे इसको सेंटर में करना है, ओल्ड दबाया, फिर एच दबाया, और सेंटर में लाने की शॉर्टकट की है ए सी, आप ए सी दबा दीजिए तो आपका वर्ड आ जाएगा। आप फिर ओल्ड दबाइए एंड एच दबाइए, और इसको आपको राइट में करना है तो ए आर दबा दीजिए, ये राइट में हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ना शॉर्टकट की का यूज करके ना अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने काम को फास्ट, हाँ, ओल्ड दबाइए फिर एच दबाइए एंड ललित, उसके अगर बाद आपको लेफ्ट करना है तो ए सी ऑल्ट दबा, एच पे, ऑल्ट एच पे फिंगर रख के ही दबाना है अगला, या फिर छोड़ के एसी। देखो यहां पर सिंपल है, यहां पर ऑल्ट आर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाने के लिए मैंने ऑल्ट बटन दबाया, छोड़ देखो यहाँ पर क्लिक है, ऑल्ट दबाया छोड़ दिया, देखो नीचे हट गया, फिर एच दबाया ऑन करा, फिर किसको जाना है, मुझे ए आर पे आना है, ए दबाया और फिर आर दबाया। ठीक है, दोबारा देख लो, ऑल्ट दबा दिया, हट गया मेरा हाथ,
फिर मुझे अगर स्पीच फार्मूले पे आना है तो एम दबाऊंगा, कॉर्टेक्स फार्मूले पे जाना है तो टी दबाऊंगा, और कैर वाले फार्मूले पे जाना है तो सी दबाऊंगा। आगे कैर का फार्मूला, ऐसे मुझे डेट पे आना है, मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, फिर ए दबाऊंगा, और फिर जो भी मुझे यूज करना है वो यूज करूंगा। ऑल्ट, ही ठीक है, अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ गया, देन अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर एक्चुअली में नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ रहा है तो।